हिंदू त्योहारों पे टारगेट होता है। हर बार देखा जाता है कि दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं बात करें दूसरों के त्योहारों की, क्या उनसे पोल्यूशन नहीं बढ़ता? देखो ये तो एक परंपरा सी हो गई है, जो दबता है दुनिया उसको दबाती है। हिंदू आपको मालूम ही है कि कितना भक्ति भाव वाला आदमी है, वो हिंदू ही है जो भक्ति भाव के कारण किसी इंसान को, दूसरे इंसान को, सबको एक जीव समझता है और ये चाहता है कि वो किसी को दुख या कष्ट ना दे। लेकिन समय बदल चुका है। अभी आप देख ही रहे होंगे कि दिवाली का सीज़न है, डेंगू की भरमार है। हम कई वर्षों से चिल्लाते आए हैं दिवाली के जो पटाखे हैं, ये बम फोड़ते हैं, हम खुशी मनाते हैं। खुशी मनाने के साथ साथ इसका कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। आपने देखा होगा कि अक्सर दिवाली के बाद डेंगू के मरीज, मलेरिया के मरीज कम हो जाते थे, और अब की दफ़ा आप देखेंगे कि उल्टा होगा। अभी दिवाली के बाद डेंगू के और मलेरिया के मरीज बढ़ेंगे, क्योंकि जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया है खरीदने पर भी बेचने पर भी, जब खरीद नहीं पाएंगे तो हम चलाएंगे कैसे? क्योंकि जो पटाखे हम चलाते हैं, बम हम चलाते हैं, उससे डेंगू के और मलेरिया के मच्छरों का सफाया होता है। और ये सारा सारा एक मिशनरी के तहत, एक टारगेट के तहत कार्य हो रहा है कि हिंदू धर्म के जितने भी तीज हैं, त्यौहार हैं, या जो भी हमारे मनाते हैं, उन पे प्रहार हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ठीक है, आज हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लेकिन अब समय आ रहा है। अभी बिहार जीता है जी, नेक्स्ट दिल्ली की बारी है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस दिन, फिर मैं कहना चाहूँगा बीजेपी की सरकार नहीं, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार आ जाएगी और ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उस दिन के बाद ऐसे प्रतिबंध नहीं लगेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, और ना ही हम वो लगने देंगे। अगर लगते हैं तो सबके ऊपर लगने चाहिए। प्रदूषण चाहे वो ध्वनि का हो, चाहे वायु का हो, चाहे वो जो ईद के दिन ब्लड बह बह के गंगा में, जमुना में, हमें हमारे नदी नालों में जाता है, उसका हो, प्रतिबंध प्रतिबंध है। लगना चाहिए तो सबके ऊपर लगना चाहिए, सिर्फ हिंदू के ऊपर ही क्यों लगता है? ये आप देख ही रहे होंगे कि टोटल राजनीति का हिस्सा है, फिर भी योगी जी ने छूट दी है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में केजरीवाल ने नहीं दी। इसका खामियाजा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भुगतना होगा, क्योंकि उसने तो आदेश जारी कर दिए, लेकिन आज हिंदू आक्रोशित है। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ कि जो मर्जी हो जाए, दबा के बम पटाखे चलाने हैं आपको, अपने उत्साह में कोई कमी आने नहीं देनी। सर, जैसे अभी आपने बोला कि दबा के बम पटाखे जलाने हैं, मगर जिस तरह वैन लग गया तो कहाँ से लाएंगे उनको? नहीं देखो, जैसे कुछ लोग हैं मेरे पास भी पिछले साल के रखे हुए हैं, और बैन दिल्ली में लगा है, हमारा एनसीआर में बैन नहीं लगा है, और एनसीआर के पास पास जो भी प्रमुख ज़िले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लगता है या हरियाणा लगता है, मिलेंगे। जिसको उत्साह है, जिसको जोश है, वो कहीं ना कहीं से भी पैदा करेगा, लेकिन बम पटाखे लाएगा और चलाएगा। मैं खुद बम पटाखे चलाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना हो, क्योंकि मैं अपने प्रभु श्री राम दीपावली को, आपको मालूम है ना, लौट के अयोध्या आए थे, उनकी याद में हम दीप उत्सव मनाते हैं, उनकी खुशी में हम बम पटाखे फोड़ते हैं, मैं दिवाली ढंग से मनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तरफ से, कि ये दिवाली अब की दफ़ा हमारे लिए ऐतिहासिक दिवाली है, क्योंकि जो कितने वर्षों से एक संघर्ष चला आ रहा था, इसी का संघर्ष था वो, श्री राम का संघर्ष था वो, उसमें हमने सफलता प्राप्त की है, उसमें विजय श्री प्राप्त की है। तो ये जो दिवाली है बड़ी ऐतिहासिक दिवाली है, इसको बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ आप दिवाली मनाएं, लोगों के घर जा जाकर मिठाइयाँ बांटें, शुद्ध देसी सरसों के तेल के दिए जलाएं, लड़ियों का बहिष्कार करें, चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, और अपने जो देश के जो भी सामग्री बनी है, जो भी दिवाली में उपयोग हो सकती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग धन धान्य से
भरपूर हो, और क्योंकि कोरोना काल में सबकी आर्थिक थोड़ी सी डगमगाई है, दिवाली के बाद फिर पटड़ी पर आए और आप जिस तरह से जो भी रोजगार व्यापार कर रहे थे वो आपका पूरी तरह से चले, फलीभूत हो, ऐसी मैं सबसे कामना करता हूँ और ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करे और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म का डंका बाजे। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।